हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमान। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। इम्पोर्टेंट है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन बुक्स से ही पूछे जाते हैं, 6 से 12 तक की बुक जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आप लोगों को जब ये पता लगता है, जब बहुत देर हो जाती है। स्टार्टिंग से ही मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो भी स्कूल में बुक चल रही होती हैं उनका सहारा देकर ही आप लोग जो है नोट्स बनाएं, उन्हीं से जो है वो पढ़ाई करें। तो आरंभिक नगरों की बात हम करेंगे आज कि सबसे पहले आरंभिक नगर जो है उन कहाँ पर हमें मिले। तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि एक नगरीय व्यवस्था थी। तो बिल्कुल आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है कि आरंभिक नगर की जो खोज है वो कहाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। तो ये जो जसपाल और हरप्रीत हैं, ये अपने घर के पास जो है वो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक इनको खंडर दिखता है जिस खंडर की लोग तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है। और गली के बच्चे उसको क्या कहते हैं, भुतहा घर, यानी पुराने जो खंडर होते हैं पहले के बने हुए जिसमें कोई भी नहीं जाता है, तो इसको भुतहा घर कह रहे थे, ठीक है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नकाशी देखी है। तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यानी ये बहुत पुराना खंडर है और इसे जो है हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसमें जो नक्काशी हुई है, जैसे कि हम ताजमहल में देखते हैं, लाल किला में देखते हैं, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है वो बहुत कार्य करती है। इसी तरीके से जो है ये आम बात जो है ये हो रही थी, ठीक है। तो यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। तो ये सबसे पहला नगर स्थल था जिसकी खोज हुई थी। इसकी कहानी क्या थी, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कहां पर था, आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट लाइन होगी कि हड़प्पा जो पुरा स्थल मिला वो कहां मिला, आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें जो है वो उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो जो इंजीनियर थे, तो उनका तो कोई काम इस तरीके का नहीं होता है कि वह कोई भी चीज मिल रही हो तो उस पर खोज करें। तो इनका काम क्या था, केवल रेलवे लाइन बिछाना, ठीक है। तो उसके लिए जो है ईंटें जो है उन्होंने उखाड़ी, ठीक है, ताकि रेलवे लाइन जो यहाँ बिछाई जा सके। तो कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट भी हो गई। उसके बाद जो है 80 साल पहले पुरातत्वविद आए। अब पुरातत्वविद जो होते हैं उनका क्या काम होता है, चैप्टर में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि पुराने जो तत्व होते हैं उनको जो है वो खोजना, ठीक है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर खोजा और यहाँ एक स्थल जो है वो ढूंढा। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है लोग रहे होंगे। तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी यहाँ पर एक नगर था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा स्थल की इमारतें कहा गया। यानी उसके बाद जो जो भी यहाँ पर पुरा स्थल में इमारतें या चीजें मिली तो उसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, ठीक है। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो ये जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन हो गई कि हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें जो थी, जो शहर जो था, उसका निर्माण कितने साल पहले हुआ, तो 4700 साल पहले हुआ। अभी तक की यही इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित तो किया गया। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ पर नगर जो थे वो कितने भागों में डिवाइड थे, दो भागों में डिवाइड थे, ठीक है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। तो पश्चिमी कौन सा होता है, हमें पता है कि ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये जो भाग था पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है। इस तरीके से जो है
यदि देखें इस तरीके से, यह ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। तो यहाँ निचले इलाके में जो है पूर्वी जो है हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पर जो कि बड़ा था, और यहाँ पर जो है वो आम जनता निवास करती थी। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो अब पुरातत्वविदों ने ये दिमाग लगाया कि ये ऊंचाई पर क्यों बना हुआ था, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक किले की तरह जो है वो प्रयोग में लाया गया होगा, और यहाँ पर जो है आम जनता नहीं रहती होगी, विशेष लोग रहते होंगे, यानी जिनके पास धन अधिक होगा, ठीक है, इन लोगों से जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो यहाँ पर जो है वो रहे होंगे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, नगर दुर्ग कहा। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी टीला था, पश्चिम, उसको क्या नाम दिया पुरातत्वविदों ने, तो वो था नगर दुर्ग, ठीक है, और निचले हिस्से को क्या कहा, इसको कहा निचला नगर। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पश्चिमी जो भाग था उसको कहा नगर दुर्ग, और जो पूर्वी टीला था उसको क्या कहा, निचला नगर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नगरीय व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय कैसी ईंटों का प्रयोग किया, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर जो है वो पड़ती जो पक्की ईंटें थी तो उनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो चिनाई क्या होती है ना, सीमेंट से जो होती है, तो वो इतने अच्छे से जो है की गई थी उस वक्त, और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और जो है जब पुरातत्वविदों ने खोजा तब भी उनको जो है इसके प्रमाण मिले। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। तो ये भी एक और नगर मिला हड़प्पा के बाद, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो है खास तालाब जो है वो बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा, ठीक है। महान स्नानागार जो है वो कहाँ पर मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। ये आपकी लाइन हो गई इंपॉर्टेंट। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो महान स्नानागार था, जो बड़ा सा जो तालाब था, तो उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, ईंटें थी, क्योंकि वहां पकी ईंटों के प्रमाण मिले हैं, और साथ में प्लास्टर का भी इसमें इस्तेमाल हुआ। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है वो चार कोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद जो है इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो देखिए जिस तरीके से जो है वो आज स्विमिंग पूल हम देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ही समझ लीजिए कि वो जो है विशाल स्नानागार बनाया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले, तो इससे ये पता लगा कि हाँ ये लोग जो है वो पूजा पाठ भी करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, यानी जहां पर जो है भंडार यानी स्टोर किया जाता होगा अनाज को, ठीक, कहाँ पर मिला, हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में और लोथल में मिला, और इसके अलावा कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आप लोगों के लिए है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ये देखिए, ये नगर जो है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरें, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। अब ये कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर बांट मिला वो पत्थर का मिला, ठीक है, मोहरे मिली, मनके मिले, यहाँ पर जो है वो तांबे के उपकरण मिले और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड मिले, ठीक है। बर्तन किसके मिले, तो बर्तन जो है वो मिट्टी के जो है वो बर्तन मिले, लाल बर्तन जिन पर जो है वो काले रंग के चित्र बने हुए थे। सारी लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर देखिए मानचित्र तीन उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा हमने, दूसरा हमने क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा भी जो आरंभिक नगर थे तो यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए जहाँ नदी होगी वहां पर नगर जो है वो बसे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं इनके आसपास जो है ये नगरीय व्यवस्था देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए आरंभिक नगर राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, ठीक है, राजस्थान में है, गमेरी वाला है, चनोदड़ो है, यहाँ पर नीचे देखिए धौलावीरा है, सुरकोटला है, तो ये जो है गुजरात में मिले। लोथल, लोथल जो कि एक बंदरगाह था ये भी हमें गुजरात में मिला। सोतकाको, ठीक है, तो ये सभी जो आरंभिक नगर थे इस उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर थे। तो चलिए अभी तक हमने दो के बारे में ही पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है हड़प्पा के बारे में और दूसरा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है तो कितना अच्छा जो चित्र है जो है वो बनाया गया है। ये क्या है, ये वो विशाल स्नानागार है जिसमें बताया गया कि ये देखिए यहाँ पर जो है वो सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पानी भरा रहता होगा और इस सीढ़ियों से जो है वो उतर कर यहाँ पर जो है स्नान किया जाता होगा। कितने अच्छे तरीके से जो बनी हुई है, ईंटें दिखाई दे रही हमें, तो ये ईंटें जो है वो पक्की ईंटें थी। कहाँ पर ये जो है हमें मोहनजोदड़ो में मिला ये विशाल स्नानागार। अब देखिए इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने जो कितना दिमाग लगाकर जो है ये इस चीज का निर्माण किया होगा। ठीक है, जिस तरीके से आधुनिक में हम देखते हैं भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। तो घर जो है वो यहाँ पर हमें दो मंजिला मिले हैं। ठीक है, अधिकतर हमें जो है वो दो मंजिला मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, गांव में अभी भी यही है। ठीक है, ये जो आंगन होता है तो इसके जो है वो चारों तरफ जो है चाहे घर हो चाहे किचन हो, ठीक है, इस तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो ये जो होता है ना ये इसको जो आंगन बोलते हैं, तो ये जो है आंगन इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इस तरीके से आंगन बनते थे, कमरे चारों तरफ बनते थे, संयुक्त तो परिवार व्यवस्था होती थी उस टाइम भी, और गाँव में अभी भी हम देखते हैं इस तरीके की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहा है, ये ईंटों की चिनाई कर रहा है, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जो है वो रख कर जो है इस तरीके से जो है एक इसको क्या बोल रहे हैं, चिनाई करना। तो अभी मैंने आपको चिनाई शब्द जो है वो बता दिया था, वो पलस्तर होता है। ठीक है, वो मैंने आपको गलत बता दिया था। यहाँ देखिए चिनाई जो है वो ये होती है, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना सीमेंट की सहायता से जो है, जिससे कि ये ईंटें जो है वो आप समझ रहे होंगे, जिससे कि ईंटें जो है वो यहाँ से जुड़ी रहे, तो इसको बोलते हैं चिनाई करना। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कई नगरों में ढके हुए नाले, यानी यहाँ पर जो नालों की व्यवस्था थी वो भी कैसी थी, ढके हुए थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है वो क्या हो सके, धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ जो है वो यहाँ पर जो है वो बहता रहे। ठीक है, रुके नहीं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, यानी कि गंदगी जो है वहां पर बिल्कुल भी ना टिक सके, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है, हम अभी घरों में देखते हैं कि घरों में भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो किचन होती है किचन में भी हम देखते हैं कि एक जो है वो होल सा बना होता है। ठीक है, और जब हम बाथरूम देखते हैं बाथरूम में भी एक होल सा बना होता है, तो ये जो होल है ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है वो मेन होल में जो है वो जाकर खुलता था। ठीक है, और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था।
नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के कौन थे? शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें जो है वो मंगवाते होंगे। अब जो शासक होते होंगे उनके पास ही जो है वो धन होता था, तो वही जो है इस कार्य में रुचि लेते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। जो लिपिक कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, तो लिखावट जो है वो मिली है। किस पे मिली है? मोहरों पर मिली है। ठीक है, लेकिन ऐसी लिखावट जिसको पढ़ा नहीं गया, जो कि अज्ञात थी, जो कि समझ में नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी मनोरंजन के साधन भी मिले हैं। मकान भी इतने अच्छे जो है वो तरीके से बनाए हुए मिले हैं। लोग जहाँ लंबी लंबी यात्राएं करते थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है अपनी वस्तुओं को लेकर भी जाते होंगे, वहां से लाते भी होंगे, यानी व्यापार जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और ऊपर जो है एक कुआं है, बाई और नीचे हड़प्पा की एक जो है वो मोहर मिली है। मोहर हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो है मेन सड़क। ठीक है, तो ये जो है मेन सड़क है, और यहाँ पर जो भी गंदा पानी होता था मकानों का निकल कर जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बह बह कर जो है वो बड़े ये जो मेन होल होता था इसमें आकर जो है वो गिरता था। ठीक है, और उसके बाद जो है हड़प्पा की जो है मोहर मिली है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह जो है एक खास लिपि में है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक लिपि है। आज के हमें ये समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो यहाँ पर जो है पकी मिट्टी के जो है खिलौने मिले थे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक जानवर का चित्र जो है वो मोहर पर हमें जो दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है क्या है, एक सींग वाला जो है वो गेंडा है। ठीक है, इसका जो एक सींग आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये लोग जो है इससे परिचित थे, तभी इन्होंने जो है इस पर जो है इसको लिख करवाया होगा, उत्कीर्ण करवाया होगा। ठीक है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रहता है, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनते थे, हथियार, गहने बनते थे और बर्तन बनते थे। सोने और चांदी से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये जो है जो भी पदार्थ धातु जो है ये आप याद रखें कि उस समय जो है वो पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ठीक है, इससे जो है वो धातुओं से वो कई तरीके की जो है चीजें बनाई जाती थी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक थे। ठीक है, मनके जिससे जो है सुंदर सुंदर जो है गले के हार हैं, ठीक है, कानों के जो कुंडल टाइप के हैं वो बनाए जाते थे, और बांट जो होते थे, बांट तो आप सभी जानते हैं कि हम मार्केट में यदि कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो एक तरफ जो है वो तराजू में जो है हमें तौल कर जो दिया जाता है सामान हम लेते हैं वो इसमें होता है, और दूसरी तरफ जो है वो बांट होते हैं। ठीक है, 1 किलो की वस्तु तौलने के लिए 1 किलो का बांट होता है, 2 किलो की वस्तु तौलने के लिए 2 किलो का, 5 किलो की तौलने के लिए 5 किलो का बांट होता है। तो ये जो चित्र देखिए यहाँ पर फलक है, मान लीजिए कि ये जो है उन्होंने अंदाजे से जो है ये बनाया होगा बांट, और इसको जो है नाम दे दिया होगा कि 1 किलो की यदि कोई वस्तु है जो है वो तौली जाएगी तो इसको प्रयोग में लाया जाएगा, 5 केजी की यदि तौली जाएगी तो इसको प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है व्यापार होता था, तो इसका मतलब चीजों की खरीदा बेची तो की ही जाती होगी। तो
तो पत्थर के बांट देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो जो पत्थर के जो बांट बनाए जाते थे इनका उपयोग किसमें लाया जाता था, बहुमूल्य पदार्थ और धातुओं को तौलने में इनका प्रयोग किया जाता था। मध्य में बाएं मन के, ये जो है मन के, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किया गया था ताकि धागा डालकर जो है वो क्या बनाई जा सके, माला बनाई जा सके। उसके बाद है मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पत्थर के फलक है, ठीक है। और उसके बाद नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र के जो है प्रमाण हमें मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक जो कढ़ाईदार वस्त्र जो है, यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है, इस मूर्ति की बात हो रही है। और ये हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपका कि कौन से स्थल से हमें कढ़ाईदार वस्त्र मिले हैं, ठीक है। तो ये जो चित्र जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है दिख रहा है आपको खुद ही साफ साफ कि ये जो है वो कढ़ाईदार वस्त्र जो इस तरीके से फूल जो है वो बनाए गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ उस वक्त भी लोग जो है वो इन चीज़ों को बहुत महत्व देते थे और मतलब अच्छे तरीके से जो है रहना ये सब वो जानते थे। और ये देखिए पत्थर की मूर्ति में ये जो व्यक्ति है, तो अच्छे तरीके से देखिए जो दाढ़ी जो है वो बिल्कुल एकदम कटिंग करके जो है अच्छे तरीके से जो है रखी गई है, ठीक है। मूछ जो है वो रखी गई है, यानी कि साज सज्जा जो है वो भी उस वक्त प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मैंने आपको चित्र दिखाया था, जानवर के जो चित्र है वो था, ऊपर जो है कोई लिपि जो है वो अंकित थी। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, ये हमें यहाँ से मिली है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है वो विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर को तराशना है, मन के जो है चमकाना है, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना है, ठीक है आदि। पृष्ठ 28 पर देखिए मूर्ति का चित्र कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी हमने जो चित्र देखा था पत्थर की जो मूर्ति है, तो उसकी जो दाढ़ी है कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी उस वक्त जो है वो मूर्तिकार अच्छी अच्छी जो है वो मूर्तियां बनाते थे। तो मूर्ति भी मूर्तिकार कब बनाएगा, जब लोग उस तरीके से रहते होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो क्या कोई ऐसा काम था जिसमें महिलाएं और पुरुष जो है वो दोनों काम में जो है काम करते थे? तो बिल्कुल वहां उस वक्त ऐसे काम होते थे। तो फियंस हमने शब्द पढ़ा, फियंस क्या होता है? तो ये जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। मान आप समझिए जो क्ले होती है, यानी मिट्टी का ही एक रूप होता है जिससे कई चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। फूलदान जो है वो बनाया जाता है, फ्लावर पॉट बनाया जाता है हम देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बाउल बनाते हैं, यानी कि जो भी चीजें उस मिट्टी से बनाई जा सकती हैं बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये होता है फियंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, हमें पता है पत्थर और शंख जो है ये तो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, लेकिन फियंस जो है इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे बनता था फियंस? बालू और स्फटिक पत्थरों का जो चूर्ण है इसको गोंद में मिलाकर जो है इस तरीके का मिट्टी जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। और इनसे जो है वो कोई भी वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फियंस से मनके बनते थे, चूड़ियां बनती थी, बाले बनती थी और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो ये फियंस जो है वो बिल्कुल भी अटपटा शब्द ना समझें, यही समझें कि एक मिट्टी का एक रूप है और इस मिट्टी को भी जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया, ठीक है। किससे बनाया गया? इसमें प्रयोग जो है वो बालू का हुआ है, स्फटिक पत्थर जो होते हैं ना इनके चूर्ण का प्रयोग हुआ है, इनको लेकर जो है इसमें गोंद के साथ जो है इसको मिलाया गया, ठीक है। और मिला के फिर जो है वो विभिन्न तरीके की वस्तुएं बनाई गई और इनको और सुंदर बनाने के लिए इन पर जो है वो एक चिकनी परत जो है वो चढ़ाई जाती थी और फिर इससे जो है वो कई वस्तुएं बनाई जाती थी। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में, ठीक है। तब तक आप इसको जो है पढ़िए, अभी तक हमने हर लाइन जो है इम्पोर्टेंट देखी है।
तो ध्यान में रखिएगा, छोटी क्लास समझकर जो है इग्नोर ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।